लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। लेमन, यामिनी और सीमा इन तीनों खोजी कुत्तों पर यूपी के 6 जिलों की जिम्मेदारी है। कोई भी आपराधिक घटना होती है तो इन तीनों की सेवाएं ले जाती हैं। इन कुत्तों के रहन सहन और ठाठ बाट देखकर आप हैरान रह जाएंगे। आलीशान कमरे में रहते हैं। 4 लोग इनकी खुशामदी में तैनात हैं। सुबह दूध पीते हैं और शाम को बकरे का मीट खाते हैं। महीने में इन तीनों का खर्चा करीब 27,000 रुपए है। इनकी देखभाल में लगे 4 सिपाहियों की सैलरी करीब 1.5 लाख रुपए भी जोड़ दी जाए तो यह आंकड़ा 1.77 लाख रुपए पहुंच जाता है। लेब्राडोर प्रजाति का लेमन सबसे बड़ा है। उसकी उम्र 11 साल है। 4 साल की यामिनी जर्मन शेफर्ड और 3 साल की सीमा डाबर मैन प्रजाति की है। तीनों का आशियाना सिविल लाइन स्थित यूपी 100 कंट्रोल रूम परिसर में है। यामिनी और सीमा एक कमरे में रहती हैं और लेमन अलग कमरे में। यामिनी और सीमा के कमरे में 2 और लेमन के रूम में एक बड़ा कूलर लगा है। सर्दी के मौसम में तीनों के लिए हीटर की व्यवस्था होती है। तीनों डॉग की देखभाल में कांस्टेबल स्तर के 4 पुलिसकर्मी विजय शंकर, सुभाष यादव, फूल चंद्र पाल और अरुणेश कुमार त्रिपाठी की तैनाती है। इन्हीं चारों के इशारों पर लेमन, यामिनी और सीमा चलते, उठते, बैठते और खाते पीते हैं। किसी नए व्यक्ति को देख तीनों एक्शन में आ जाते हैं। कोड वर्ड दोस्त कहने पर ये शांत होकर बैठ जाते हैं। सबसे ज्यादा खतरनाक लेमन को माना जाता है। चारों कर्मचारियों का वेतन प्रतिमाह करीब 1.50 लाख रुपए है। प्रत्येक डॉग को सुबह 0.5 लीटर दूध और 250 ग्राम आटे की रोटी दी जाती है। शाम को 0.5 किलोग्राम बकरे का मीट और 250 ग्राम आटे की रोटी और सब्जी दी जाती है। प्रति कुत्ते की डाइट के लिए 300 रुपए प्रतिदिन खर्च होता है, जिसका बजट पुलिस विभाग जारी करता है। यानी लेमन, यामिनी और सीमा के खाने में 27,000 रुपए प्रति माह खर्च होता है।